इस देश में 122 करोड़ हिंदू है, 18 करोड़ मुसलमान है। 122 करोड़ को किसी को मिटाने की औकात है? मैं कह रहा हूं औकात है सर। इन लोगों की सियासत खतरे में है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव है, इन लोगों की सत्ता खतरे में है। कहीं कोई सनातन खतरे में नहीं है। पहले वो जाए गिरिराज जी भगवान परशुराम से ज्ञान के बारे में जाने, तब अपने को भूमिहार कहे। भगवान परशुराम को जानबे नहीं करेंगे, भूमिहार हो जाएंगे सर। उसका धंधा सब ये आज थोड़ी, बड़का बड़का औकात वाला सीमांचल रितमरा तमरा उमा भारती बड़का बड़का है भैया। सीमांचल से मैं हूँ इंसानियत को पैदा करने के लिए, जिंदा रखने के लिए। किसी जात के खिलाफ कोई गाली देता है तो उसके खिलाफ लड़ता हूँ। किसी जात को कोई अपमानित करता है तो उसके खिलाफ लड़ता हूँ। नफरत पैदा करेंगे तो इनके यात्रा के आगे सोएं भैया, नफरत पैदा करेंगे तो इनके यात्रा के आगे सोएं। तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं, गिरिराज सिंह हिंदू को जगाने जा रहे हैं सीमांचल भैया। इन लोगों का यात्रा हम गया से भी देखे, साइकिल पर गिर गए। एक बार यात्रा देखे कहीं और रुक गए, चौथे तीसरे बार देखे कुछ और हो गया, चौथे बार चार बार रुक गए। और लोगों की यात्रा के बारे में हमको पता है, कोई 60 लाख के टेंट में रहे, कोई वैनिटिंग बड़का गाड़ी में सोए। और जितना मलादार आईएस रिपीटर भैया, ना मुसहरी देखे, ना पान देखे, ना बार देखे, ना तूफान देखे, पैरासूट से ले आए अलाउद्दीन के चिराग को, ये आपका कैंडिडेट भाड़े बा। ये लग रहा है कि भगवान अलाउद्दीन ये भगवान हो गए। भैया कार बेटियां होती थी, अब बेटे भी हो रहे हैं। हिंदू खतरे में, आप हिंदू हैं ना, खतरे में हैं? कौन आप खतरे में हैं? इस देश में 122 करोड़ हिंदू है, 18 करोड़ मुसलमान है। 122 करोड़ को किसी को मिटाने की औकात है? वो तो कह रहे हैं हिंदू खतरे में। मैं कह रहा हूं औकात है। अब पाकिस्तान पर परमाणु पटके, इसराइल जब हमास को मिटा सकता है तो पाकिस्तान को मिटाने में इसको क्या डर है? कौन कहता है दाऊद इब्राहिम को नहीं लाए? सर इन लोगों की सियासत खतरे में है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव है, इन लोगों की सत्ता खतरे में है। कहीं कोई सनातन खतरे में नहीं है। पहले वो जाए गिरिराज जी भगवान परशुराम से ज्ञान के बारे में जाने, तब अपने को भूमिहार कहे। भगवान परशुराम को जानबे नहीं करेंगे, भूमिहार हो जाएंगे सीमांचल का जो इलाका सर। उसका धंधा सब ये आज थोड़ी, बड़का बड़का औकात वाला सीमांचल रितमरा तमरा उमा भारती बड़का बड़का है भैया। सीमांचल से मैं हूँ इंसानियत को पैदा करने के लिए, जिंदा रखने के लिए। किसी जात के खिलाफ कोई गाली देता है तो उसके खिलाफ लड़ता हूँ। किसी जात को कोई अपमानित करता है तो उसके खिलाफ लड़ता हूँ। नफरत पैदा करेंगे तो इनके यात्रा के आगे सोएंगे भैया, नफरत पैदा करेंगे तो इनके यात्रा के आगे सोएंगे। इनके भैया ये केंद्रीय मंत्री हो या भगवान, नफरत पैदा करेंगे तो नहीं चलने देंगे। और नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे, अपनी इमेज जो आपकी थी उसको बचाइए। आपके पीठ में खंजर भोग रहे हैं ये लोग, आपको खत्म करेंगे। इन यात्रा को रोकिए, अन्यथा कुछ दिन आराम करने के लिए इसको भेज दीजिए। जहां आराम हो, इसका जो जगह तो आराम वही है।